तो दोस्तों आज मैं बनाई हूँ अपने घर पर हलवाई सीक्रेट बालूशाही का रेसिपी और मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए फ्रेंड आज का रेसिपी मैं बनाना शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने घर पर बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और खस्ता बालूशाही की रेसिपी। उसके लिए मैं एक बोल ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 500 ग्राम मैदा। अब मैदा में मैं 50 ग्राम घी डालूँगी और घी को मैं थोड़ा गर्म कर ली थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और मैं मैदा में डाल दूँगी घी को। अब इसे मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैदा और घी को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर मैदा को मैं सान लूँगी और इसका डो बना लूँगी। इस तरह से मैदा को मैं सान कर डो बना ली हूँ और मैदा जो है उसे मैं थोड़ा टाइट ही सानी हूँ इस तरह से। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देती हूँ। डो सेट होने के बाद मैं इसे इस तरह से थोड़ा सा मसल दूँगी। इस तरह से डो को मैं मसल दी हूँ। अब इसका मैं रोल बना लेती हूँ और इसका छोटा छोटा लोई बना लूँगी। मैं रोल कर ली हूँ। अब मैं इसे छोटा छोटा मैं लोई बना लेती हूँ इस तरह से। आप अपने अनुसार से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं बालूशाही जो बना रही हूँ वो छोटा वाला बना रही हूँ, इसीलिए मैं छोटा छोटा लोई कर रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से बाकी सबको मैं कर लेती हूँ। मैं डो को एक साइज का लोई बना ली हूँ। अब एक लोई लेकर हाथों से इस तरह से प्लेन कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसका बालूशाही का शेप दे देती हूँ उंगली की मदद से इस तरह से दबा कर। इस तरह से उंगली के मदद से मैं बालूशाही का शेप दे दी हूँ। बाकी सबको मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। ये देखिए, मैं इसी तरह से सब बालूशाही को बना ली हूँ। अब इसे मैं तेल में फ्राई कर लेती हूँ। बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैं तेल को हल्का गरम कर ली हूँ। तेल जो है वो ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब एक एक बालूशाही को मैं तेल में डालूँगी। बालूशाही को मैं तेल में रख दी हूँ। अब ये जब तक ले ऊपर ना आ जाए तब तक इसे मैं इसी तरह से पका लूँगी कम स्टीम में। ये देखिए, सभी बालूशाही तेल के ऊपर आ चुका है। अब इसे मैं पलट देती हूँ। बालूशाही को पलटने के बाद मैं गैस का स्टीम हाई कर दूंगी एक मिनट के लिए। एक मिनट के बाद मैं गैस का स्टीम जो है उसे कम कर दूंगी और इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी उलट पुलट कर। ये देखिए, बालूशाही में कितना बढ़िया कलर आ चुका है, यानी कि ये अच्छे से अंदर तक पक गया है। इसे मैं उलट पुलट कर 20 मिनट तक पकाई हूँ कम स्टीम में। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा बालूशाही को बनाकर रेडी कर ली हूँ और इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, यानी कि ये अंदर तक अच्छे से पक गया है। और थोड़ा सा बालूशाही और था तो मैं इसे भी तेल में डाल दी हूँ और पहले के तरह इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। उतना देर में मैं चाशनी का तैयारी कर लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैं एक टोपिया में 2 गिलास पानी ली हूँ और गैस पर रख दी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 250 ग्राम चीनी। अब चीनी को मैं इस तरह से चलाकर इसे गला लूँगी और इसका चाशनी बना लूँगी।
चीनी अच्छे से गल गया है, अब इसमें उबाल भी आ गया है। अब इसमें मैं 2 ठू कूटा हुआ इलायची डालूंगी और इसे 1 तार वाली चाशनी बना लूंगी। मैं 1 तार वाली चाशनी बना के रेडी कर ली हूँ और चाशनी जो है मैं एक बड़ा कढ़ाही में मैं रख ली थी। गैस का स्टीम जो है मैं उसे कम कर दी हूँ और बालूशाही जो है मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि बालूशाही के अंदर तक चाशनी चले जाए। गैस को मैं बंद कर दी हूँ। अब इसे इसी तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चाशनी जो है बालूशाही के अंदर तक चला गया है, ये देखिए। चाशनी जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये देखिए बालूशाही जो है बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, घर पे हमारा बालूशाही बन के रेडी हो चुका है। आप सभी को बालूशाही का रेसिपी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।